सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 18 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। राजेश कुमार एसपी इंटेलिजेंस कानपुर बनाए गए हैं। राकेश पुष्कर एसपी विजिलेंस लखनऊ बनाए गए हैं। राजेंद्र कुमार एसपी इंटेलिजेंस अयोध्या बनाए गए हैं। मनीराम सिन्हा नायक पीएससी सीतापुर बनाए गए हैं। किरण यादव एसपी पीटीएस गोरखपुर, पीके तिवारी एसपी मुरादाबाद, सुनीता सिंह एसपी सीबीसीआईडी लखनऊ, राकेश पांडे एसपी इंटेलिजेंस मेरठ बनाए गए हैं। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। लगातार आपको बता दें कि तबादले किए जा रहे हैं और बेलगाम अफसरशाही पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और अब एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसके तहत कई बड़े अफसरों के तबादले किए गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिली है। 18 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें राजेश कुमार को एसपी इंटेलिजेंस कानपुर बनाया गया है। राकेश पुष्कर को एसपी विजिलेंस लखनऊ बनाया गया है। राजेंद्र कुमार को एसपी इंटेलिजेंस अयोध्या बनाया गया है। ये बड़ा फेरबदल हुआ है उत्तर प्रदेश में। कुल 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले उत्तर प्रदेश में कर दिए गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी और कोशिश यही सरकार की कि मैसेज दिया जाए अफसरों को कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी एक छोटी से छोटी लापरवाही भी। एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संतोष, एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और लापरवाही के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं, उसी का नतीजा है कि लगातार अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं और उन्हीं अफसरों को फील्ड में भेजा जा रहा है जिनको फील्ड का अनुभव है और कहा जाए कि जिनकी छवि अच्छी है। यही वजह है कि देर रात मुख्यमंत्री की तरफ से आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। कल भी एक कहा जाए कि फेक लिस्ट आई थी कि आईपीएस अफसरों की 8 आईपीएस अफसरों की फेक लिस्ट वायरल की गई थी, लेकिन देर रात करीब 22 अफसरों के तबादले किए गए, जिसमें आरपी पांडे को डीआईजी एंटी करप्शन की जिम्मेदारी दी गई है। सुभाष चंद्र दुबे डीआईजी पीएससी मुरादाबाद बनाए गए हैं। इस तरीके से तमाम बड़े अफसरों के तबादले किए गए हैं। जो पीपीएस से आईपीएस बने थे उन अफसरों को देर रात नई तैनाती दी गई है। बिल्कुल संतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। राजधानी लखनऊ में एक लड़की नशे की हालत में मिली। उसका आरोप है कि उसके नशेबाज दोस्तों ने उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बदहवास कर दिया था और उससे अश्लील हरकतें की। ये घटना मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी की है। युवती के शोर मचाने पर भीड़ ने उसे बचाया। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। संतोष, ये जो मामला सामने आ रहा है, फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है इसमें? लखनऊ के ही ट्रांसफॉर्म की इलाके की रहने वाली है और इसके अपनी दो दोस्त है कि एक पार्टी में जाने के लिए उसको साथ में लेकर आई और इसी एक दोस्त की कार थी और एक लड़का इस कार से चला रहा था। कार के अंदर इन लोगों ने सिगरेट पी। इस सिगरेट से सभी लोग नशे में हो गए, लेकिन ये लड़की संभवतः पहली बार इसने सिगरेट पी थी और उस सिगरेट में नशा था, लिहाजा ये ज्यादा पैदावार पीने लगी। इसने अपनी बहन को फोन किया और खुद अपने दोस्तों से कहा कि मुझे घर दे दो, लेकिन ये दोस्तों ने कहा कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बदमाशी में ही ये लड़की वापस जाने के लिए कार से कूदने लगी, जिससे स्थानीय दोस्त कूदने लगे और ये दोस्त को व्यावहारिक हालत में छोड़कर फरार हो गए। युवती का आरोप है कि जो लड़कियां थी और जो लड़का था उसको बदमाशी में अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने इस पूरे मामले में उस कार को बरामद कर दिया और उसके बाद उस लड़के को भी हिरासत में ले लिया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये तीन जो लड़कियां थी जो नशेबाज थी पीड़िता की, उनकी भी तलाश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के।
उधर महोबा में एक परिवार पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। आरोप है कि बसपा मंडल कोऑर्डिनेटर के घर दबंगों का आतंक रहता है। उन्हीं दबंगों ने लाठी डंडों से पूरे परिवार पर सितम ढाया, महिलाओं को भी पीट पीट कर घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो दबंगों का कहर महोबा में देखने को मिला। लाठी डंडों से जमकर एक परिवार की पिटाई हुई, जिसमें पूरा परिवार घायल है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और परिवार का इलाज अस्पताल में जारी है। आज लोकसभा में साल 2019-20 के लिए आम बजट पेश किया जाएगा। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकार 2 का ये पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट से देश को बहुत उम्मीद है। वहीं सरकार के सामने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था और जरूरत से कम नई नौकरियों की चुनौती है। हाल के वर्षों में सरकार ने बजट घाटा समिति रखने में कामयाबी हासिल की है। इसके लिए ईंधन पर टैक्स बढ़ाया गया और सब्सिडी में कटौती की गई, लेकिन सीतारामन के समक्ष अलग तरह की चुनौती है। उन्हें ऐसे समय राजकोषीय कौशल दिखाते हुए अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ानी है, जब टैक्स से होने वाली आय में आशंका से ज्यादा कमी आई है। तो आज जो देश का आम बजट पेश होगा, देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज 2019-20 का बजट पेश करेंगी और सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि क्या खास होगा इस बजट में? जब पिटारा खुलेगा निर्मला सीतारामन का, तो उसमें से क्या तोहफे आज आम जनता को मिलेंगे, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती वित्त मंत्री के सामने जरूर है, और ऐसे में बजट में क्या खास होगा, बजट की क्या बड़ी बातें होंगी, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, कितना असर बजट का आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अविनाश, आज देश का आम बजट है और देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ये बजट पेश करेंगी, उम्मीदें बहुत हैं पूरे देश को। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज ये बजट पेश किया जाएगा, 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। कल इस हिसाब से आर्थिक सर्वे आया है और उसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और 5 ट्रिलियन तक ले जाना है अर्थव्यवस्था को। उसके बाद जाहिर सी बात है कि 8% की विकास दर चाहिए देश को। ऐसे में देश में निवेश का माहौल चाहिए, रोजगार का माहौल चाहिए, उद्योग का माहौल चाहिए, तभी ये संभव होगा। अगर आज हम बात करें तो आज जो बजट है, बजट में जो सबसे बड़ी निगाहें हैं लोगों की, वो टैक्स में छूट, क्योंकि सभी लोग जो है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे फिर मिडिल क्लास का आदमी हो जो कि रोजगार करता है, उसको भी टैक्स से छूट चाहिए, व्यापारियों को भी टैक्स से छूट चाहिए। तो सभी की निगाह इसी पे लगी है कि टैक्स में किस हिसाब से रियायत देती है सरकार। इसके अलावा किसानों की भी नजर होगी वहां पर, किस हिसाब से किसान सम्मान निधि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में लागू किया था, उसको आज बजट में सैंक्शन कराना है। तो इसलिए इन दोनों वर्गों की निगाहें खास तौर से लगी होगी। इसके अलावा कई सारी महिलाएं हैं, उनको भी घरेलू उत्पादों में छूट चाहिए, तो उनको उनकी भी निगाहें रहेगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सभी का ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसे में आज बजट जब आएगा तो सभी की निगाहें इसी को होगी कि टैक्स से कितनी उनको रियायत मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो टैक्स पर कितनी राहत मिलती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। इसके अलावा इस बजट का असर कितना जेब पर पड़ता है आम जनता की, इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, आज दिन भर एबीपी गंगा पर खास कवरेज हम आपको दिखाएंगे देश के आम बजट पर।
उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का संज्ञान लिया है और अब यूपी सरकार सीबीआई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेगी। बुधवार को ही सीबीआई कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी समेत कई 8 लोगों पर लगा था, लेकिन 14 साल बाद सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो अब इस फैसले को लेकर यूपी सरकार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में कुल 18 लोगों पर मुकदमा चल रहा था, जिनको अब बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में सीबीआई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है, लेकिन अब यूपी सरकार ने इस फैसले का संज्ञान लिया है और तैयारी यूपी सरकार की है कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में तैनात टीचर्स को ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना महंगा पड़ सकता है। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि अगर स्कूलों में ड्यूटी के दौरान कोई टीचर मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल आज श्रावस्ती के दौरे पर थी, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और वहां मौजूद टीचर्स को मंच से ही ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी। बाद में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। एक उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है, अगर आप स्कूल टाइम में आपका मोबाइल चेक हो गया, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव पाए गए, तो आपकी सेवाएं भी समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। पढ़ाने का टाइम सिर्फ पढ़ाने का, अगर किसी भी चेकिंग में और चेक निरीक्षण में आपका मोबाइल लिया और उस मोबाइल में आप सोशल मीडिया पर एक्टिव पाए गए तो सब पता चल जाता है मोबाइल पे, कब आप ऑनलाइन थे और कब आप ऑफलाइन थे। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उतना ही कारण पर्याप्त होगा आपकी नौकरी जाने के लिए। ये कटु बात मैं बाद में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। उधर श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने सिसवा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और जूते मोजे बांधे। नए सत्र के लिए नई स्कूल ड्रेस और जूते मोजे पाकर बच्चे भी उत्साहित थे, लेकिन बच्चों की ये खुशी तब मायूसी में तब्दील हो गई जब उन्होंने जूतों का ट्रायल लेना शुरू किया। दरअसल मंत्री जी ने जो जूते बांटे वो ज्यादातर बच्चों के पैरों में फिट ही नहीं हो रहे थे। किसी बच्चे को उसके पैरों के साइज से बड़े जूते मिले तो किसी बच्चे को ऐसे जूते मिले जिसमें उनके पैर नहीं फिट हो रहे थे। लेकिन इस मामले में जब बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बच्चों के जूते छोटे बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें बदल दिया जाएगा और ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, स्कूलों में यूनिफॉर्म बांटने के नाम पर खेल सामने आया है। चहेतों को सप्लाई दिलवाने की कोशिशें हो रही हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अब दबाव बना रहे हैं, स्कूल की प्रबंधन समितियों पर ये दबाव डाला जा रहा है। सभी डीएम को जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, स्कूलों में अब नया सत्र शुरू हुआ है और इसी के साथ साथ अब यूनिफॉर्म बांटने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन अब इसमें भी एक नया खेल सामने आ रहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल प्रबंधन पर ये दबाव डाल रहे हैं कि अपने चहेतों को इसका काम दे दिया जाए, यानी अपने चहेतों को फायदा दिलवाने की कोशिश की जा रही है, चहेतों को सप्लाई का काम दिलवाने की कोशिश की जा रही है। शैलेश अरोड़ा एबीपी गंगा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। शैलेश, ये जो खबर सामने आई है ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब जब बच्चों को यूनिफॉर्म बांटने का काम होता है तब तब तमाम तरीके के खेल होते हैं, तमाम तरीके की लापरवाही होती है। फिलहाल क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये हर साल का मामला है और कहीं ना कहीं क्योंकि यूनिफॉर्म का जो
बजट आता है वो करोड़ों रुपए में होता है, बल्कि अरबों रुपए का बजट होता है वो, और प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं होते हैं जिनको ये यूनिफॉर्म बांटी जाती है। इस साल की अगर बात करें तो जो बांटा जाना है बजट, उसके हिसाब को अगर हम देखते हैं तो लगभग 1.5 गुने की बढ़ोतरी भी इस बात की गई है, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं कुछ जगह पर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो इसमें खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो चहेते हैं उनको ड्रेस का काम लेके देना चाहते हैं, उन्हें टेंडर भी लेके देना चाहते हैं जहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जानी है, जिसके लिए विद्यालय की जो प्रबंध समितियां हैं उन पर वो दबाव बना रहे हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं, शिकायतें जो है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा तक भी पहुंची है, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ने अब सभी जिले के डीएम को पत्र लिखा और साफ कहा है कि इन मामलों की जांच कराई जाए, और अगर कोई भी उसमें दोषी पाया जाता है ना सिर्फ उससे रिकवरी होगी बल्कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। तो अब देखना यह है कि सभी जिलों में पत्र जाने के बाद किस तरह की सख्ती होती है और कितने अधिकारी इस पूरे मामले में नपते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि अपर मुख्य सचिव के पत्र के बाद बाकी अधिकारियों पर एक दबाव आएगा और वो इस तरह की हरकतों से जरूर बचेंगे। बिल्कुल शैलेश, देखने वाली बात यही होगी कि क्या कार्रवाई इस मामले में की जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर झांसी के मऊरानीपुर में एक बच्चे की मौत हो गई, लेकिन इस मौत की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां बच्चे को बिच्छू ने काटा था, लेकिन उसकी जान ली समाज में फैले अंधविश्वास ने। खबर है कि बिच्छू के काटने पर उसे अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक में लोग लगे रहे, जिसमें बच्चे की जान चली गई। शंख बजवा रहे, शंख जल्दी ले, जल्दी से तोड़ के। उधर फतेहपुर के अराजक तत्वों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए। मामला हुसैनगंज इलाके का है, जहां मिर्जापुर भिठारी गांव में कोटेदार के चयन को लेकर बैठक हो रही थी, तभी कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस पहुंची और गाँव में पहुंचकर माहौल को शांत कराया गया। वहीं घायल पुलिसकर्मियों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। DSP कपिल देव के मुताबिक अराजक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच अहम खबर गाजियाबाद से, जहां पूरे परिवार ने सुसाइड की कोशिश की। पत्नी, 3 बच्चों के साथ युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। 2 बच्चे युवक की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है। सुसाइड करने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूरे परिवार ने सुसाइड की कोशिश की, जिसमें 2 बच्चे और युवक की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सुसाइड किन कारणों की वजह से किया ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। वजहों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन एक युवक ने अपने पूरे परिवार के साथ, 2 बच्चे और अपनी पत्नी के साथ सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें युवक और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। और नितिन एबीपी गंगा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विपिन, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास, क्यों ये सुसाइड किया गया, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी ये पता नहीं चल पाया क्योंकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और अर्ली सुबह का मामला है ये। 5:40 पे डायल 100 को सूचना दी गई, पड़ोसियों ने सूचना दी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, देखा तो युवक, उसकी पत्नी और 3 बच्चियां लहूलुहान पड़े थे, और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक और 2 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उसकी पत्नी और 1 बच्ची अभी भी जिंदगी के लिए जंग कर रहे हैं। आत्महत्या करने का तरीका ये बिल्कुल अलग तरीके से किया गया है। युवक ने अपनी पत्नी को हथौड़ा मार के घायल किया, जान लेने की कोशिश की, बाकी बच्चियों को और खुद को नाक पर और मुंह पे टेप लगाया। ये आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि इस तरीके से आत्महत्या करने की कोशिश की गई है। टेप नाक और मुंह पे लगा के जान देने की कोशिश की गई है, और उसके बाद जब पुलिस को जानकारी मिली वहां पहुंची, उनको ले जाया गया है। अभी तक किसी तरह का कोई सुसाइड नोट या कारण का पता नहीं चल पाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस परिवार ने ये कदम उठाया क्यों। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारी के लिए। का गाजियाबाद में दबंगों का बोलबाला है, ये हम नहीं कह रहे, ये वो तस्वीरें बोल रही हैं जो CCTV में कैद हुई। तस्वीरों में CCTV में महिला टोल टैक्स कर्मी के सामने एक युवक की पिटाई की जा रही है।
मामला गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके का है, जहां टोल से दबंगों का ये वीडियो सामने आया है। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टोल पर रंगदारी मांगने का ये मामला सामने आया है और रंगदारी ना मिलने पर किस तरीके से दबंगों ने कहर बरपाया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला, ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि बाद में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। उनतीस तारीख को दुहाई में इन्होंने एक व्यक्ति के घर में घुस के उसके ऊपर फायरिंग की थी, जान से मारने का प्रयास किया था। उसके बाद ये टोल पे गए थे पेरिफेरल पे, वहाँ से फिर वहाँ भी इन्होंने रंगदारी मांगी, मारपीट करी थी। जब पुलिस को संज्ञान मिला तो पुलिस ने सुसंगत धाराओं में FIR प्राथमिकी दर्ज की थी। उधर बागपत में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बड़ौत कोतवाली इलाके में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मुनीम की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले दूसरे मुनीम ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया और शव को फेंककर फरार हो गया। हालांकि हत्या की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने संभल और सहारनपुर में अलग अलग मुठभेड़ों में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर दर्द से कराह रहा ये शख्स 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, जिसे सहारनपुर की गंगोह पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को 2 बदमाशों की सूचना मिली थी, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो दोनों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपने मिशन क्लीन के तहत पुलिस ने संभल में भी एक बदमाश को गिरफ्तार किया। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। हालांकि इस कार्रवाई में एक सिपाही भी घायल हो गया। ये जनपद संभल में शाम को व्हीकल चेकिंग अभियान चल रहा था, इसी दौरान सूचना मिली कि एक अपराधी इधर हसनपुर गालुआ रोड की तरफ जा रहा है, तो इसकी घेराबंदी की गई, जिसमें इसको रुकने का इशारा किया गया तो इसने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। इसी दौरान पुलिस ने फायर किया तो ये अपराधी भी घायल हुआ है। अभी जब पूछताछ किया गया तो पता चला इसका नाम नसीम है, जो CS एक्ट और आर्म्स एक्ट के कई सारे मुकदमे हैं इसके। अन्य जनपदों से भी पता किया जा रहा है कि इसके ऊपर कितने सारे मुकदमे हैं। अभी नखासा थाना क्षेत्र से वांछित अपराधी था ये, और इसको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, साथ में अपने कांस्टेबल को भी भेजा गया है, सभी लोग हॉस्पिटल में। संभल में हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। वहीं उसके साथी बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।